जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि अभी आपको बताया था कि मैं 1:30 बजे लाइव आऊँगा, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से, कुछ टेक्निकल इशू है, इसी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूँ। जो संदेश बहुत ज़रूरी है, संदेश को मुझे देना है आप लोगों को। जैसा कि आपको मालूम है, गत दिनों आलापुर विधानसभा में भीम आर्मी के एक समर्पित कार्यकर्ता भाई अरुण कुमार की निर्मम हत्या हो गई थी। उनको फांसी के फंदे से लटका दिया गया था पेड़ पे। तो उस संबंध में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। कुछ जरूरी संदेश है उसके संबंध में, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि भीम आर्मी के एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते पूरे समाज की और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस परिवार को न्याय मिले। और जिन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, प्रशासन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई। 3 लोग गिरफ्तारी करने के बाद अभी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। उस भाई को न्याय नहीं मिल पा रहा है, उस भाई को आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है। जो लोग उसमें दोषी हैं उनको जेल नहीं भेजा जा रहा है। प्रशासन हाथ पे हाथ देख कर रख कर बैठी हुई है, इसलिए कि एक और अरुण की हत्या हो जाए। मैं शासन प्रशासन को ये चेतावनी भरे शब्दों में बताना चाहता हूँ, अगर ऐसी समस्या फिर से आती है, ऐसा दुर्घटना भीम आर्मी या समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ या समाज के किसी भी कार्यकर्ता के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी भी समस्या आती है, तो अब हम किसी भी प्रकार में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसी संबंध में भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनय रतन सिंह जी, भाई अरुण को न्याय दिलाने के लिए, भाई अरुण जी के घर जिनका पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए 28 सितंबर समय 11 बजे उनके निवास पर पहुंचकर उनके घर को, उनके परिवार को सांत्वना देने का काम करेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। आप लोगों से क्षेत्र के समस्त जो उस भाई को मृत्यु पर, उस भाई की हत्या पर जो लोग उसके इस दर्द भरी घड़ी में खड़े हैं, उनसे निवेदन है कि भाई वीरेंद्र रतन सिंह जी अम्बेडकर नगर के पावन धरती पर आ रहे हैं, उनके आगमन पर पहुंचकर उनके कंधे से कंधा मजबूत करें ताकि उस परिवार को न्याय मिल सके। 28 सितंबर समय 11 बजे आलापुर विधानसभा के ग्राम सभा नसीरपुर में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र रतन सिंह जी का आगमन हो रहा है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब भाई को न्याय दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें ताकि उस भाई को न्याय मिल सके। अम्बेडकर नगर में किसी भी ऐसे परिवार को सताया ना जा सके, किसी भी समाज के व्यक्ति को ऐसी समस्या ना आ सके। इन सभी संबंधों को लेकर कल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि उस भाई को न्याय दिलाया जाए, जो उसके दोषी हैं उनको जेल भेजाया जाए और फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाकर उनको तत्काल सजा मिलने का काम करवाया जाए। हमारा जो मांग था भीम आर्मी की तरफ से, जो हमने मांग किया था माननीय SDM साहब के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से, उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद, 1 नौकरी, जमीन और 1 पेट्रोल पंप का लाइसेंस, जो हमने मांग रखा हो अभी तक पूरा नहीं हुआ। ना तो अभी तक 1% काम भी इस मामले में हुआ है। प्रशासन इसको टाल मटोल कर रहा है। साथियों, निवेदन है कि भाई अरुण के कुर्बानी को जाया ना जाया दिया जाए, इसके संघर्ष करके उसको न्याय दिलाया जाए। मेरा निवेदन है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से मेरा, निखिल राव का निवेदन है कि आप सभी भाई अरुण कुमार के घर पहुंचकर इस आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।
और भाई अरुण जी कुमार जी को न्याय दिलाएं। इसी शब्दों के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।